मैं सपना सिंह वीर जी किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज बनाने जा रहे हैं हम लोग व्रत की थाली, तो आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें किन किन चीजों की। तो इसके लिए हमने 250 ग्राम दूध लिया है, 3 बड़े चम्मच देसी घी लिया है, 1/2 बाउल हमने समा के चावल लिए हैं जो कि व्रत में खाए जाते हैं, ये हमने 1 बाउल कुट्टू का आटा लिया है जिसको व्रत में खाया जाता है, ये हमने मिक्स ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, 1/2 बाउल हमने शुगर लिए है, 2 बड़े चम्मच नमक, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 मीडियम साइज का टमाटर बारीक कटा हुआ, 2 से 3 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, ये 2 बड़े आलू लिए हैं इसको हमने मोटा मोटा कट कर लिया है, और ये हमने 2 बड़े आलू बारीक बारीक तोड़ लिए हैं। तो चलिए इसे बनना स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम आलू की ड्राई सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो उसके लिए हम पैन में 2 चम्मच घी डालेंगे और इसको जो है गर्म होने देते हैं। हमारा घी जो है गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, इनको हल्का सा भून लेते हैं। देखिए हरी मिर्च और हमने हरे धनिया को भून लिया है, अब इसमें डालेंगे हम जो हमने आलू मोटे मोटे कट किए थे वो डाल देते हैं। अब इनको जो हम मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमने जीरा का यूज नहीं किया है, आप चाहें तो जीरा का यूज कर सकते हैं। अब इसमें डाल देंगे हम नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकती हो, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर। अब ये सारी चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इनको जो हम 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं मीडियम गैस पर। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गई है और अब गैस बंद कर देंगे। और चलिए दोस्तों, अब हम जो है ग्रेवी वाली सब्जी बना के तैयार करेंगे। तो अब हम इसमें घी डालेंगे 2 चम्मच, हमारा जो घी है गर्म हो चुका है। अब इसमें डालेंगे हरी मिर्च, हरी मिर्च को जो है घुमा देते हैं और 1 मिनट के लिए पका लेते हैं। हमने वही वाला पैन यूज किया है, सेम पैन यूज किया है, आप चाहे तो दूसरा भी यूज कर सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हम टमाटर, टमाटरों को हम पकने देते हैं थोड़ी देर के लिए। देखिए दोस्तों, हमारे टमाटर जो है पक चुके हैं। अब इसमें डालेंगे हम हरा धनिया, अब इनको हम जो है भूनने लेंगे 1/2 मिनट के लिए। देखिए दोस्तों, हमने इसको 1/2 मिनट के लिए मसाले को भून लिया है। अब इसमें डालेंगे हम आलू जो हमने बारीक बारीक तोड़े थे आलू, अब इनको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम नमक, नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें, हमने काली मिर्च पाउडर डाल दिया है, अब इसको भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। सारी चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें डालेंगे हम पानी, ये हमने 1/2 ग्लास के करीबन हमने पानी डाल दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए पकने देते हैं, 5 मिनट के बाद जो हम इसको देखेंगे। देखिए दोस्तों, 5 मिनट हो चुकी हैं और हमने 5 मिनट ढककर सब्जी को पका लिया है, और आप देख सकते हैं कि हमारी सब्जी जो है बनकर तैयार है। अब हम इसको बंद कर देते हैं गैस को। चलिए दोस्तों, हमारी दोनों सब्जियां जो है बनके तैयार हो गई हैं, और अब बनाएंगे हम खीर। तो खीर बनाने के लिए हमने भगोने में जो है दूध डाल दिया है और दूध को जो है उबाल आने तक वेट करते हैं। देखिए धीरे धीरे से उबाल आने लगा है, तो अब इसमें डाल देंगे हम समा के चावल, हमने धो लिया है चावलों को। अब चावलों को अच्छे से मिक्स कर देते हैं। खीर जो है हमें मीडियम गैस पर ही बनानी है, जिससे कि इससे रबड़ी टाइप की खीर बनेगी तो बहुत टेस्ट आएगा। हमारी खीर जो है 2 से 3 मिनट में बनके तैयार हो जाती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। देखिए दोस्तों, 2 से 3 मिनट हो गई है और हमारी खीर जो है, देखिए आप चावल जो है फूल रहा है और हमारी खीर जो है बनने वाली है। तो अब इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, अब इनको जो आप मिक्स कर देते हैं। हम 1 से 1.5 मिनट के लिए फिर से पका लेते हैं मीडियम गैस पर, जिससे कि जो हमारे ड्राई फ्रूट्स है पक जाए।
खीर को जो है हम चलाते रहेंगे, वरना खीर जो है नीचे भगोने में चिपकने लगेगी। देखिए दोस्तों, 1 से 1.5 मिनट हो गई है और अब इसमें डालेंगे हम शुगर यानी कि चीनी। चीनी जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब कर देंगे हम गैस बंद, क्योंकि खीर जो है रखने के बाद थोड़ी थिक हो जाती है, तो इसको हम इतना पतला ही रहने देंगे, ज्यादा गाढ़ा नहीं करना है हम इसको। देखिए दोस्तों, हमारी खीर भी बनके तैयार है और अब हम जो है पूड़ी बनाएंगे, तो उसके लिए हम कुट्टू का आटा जो तैयार करेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम जो है पूड़ी बनाएंगे। पूड़ी बनाने के लिए हम कुट्टू का आटा जो है बाउल में डाल देते हैं। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नमक। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। अब इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंदेंगे। इसमें जो है ज्यादा पानी नहीं डालना है, ये कम पानी में ही आटा गूंद के तैयार हो जाता है। और इसमें थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक साथ नहीं डालें। इसमें जो है हमने सेंधा नमक डाला है, तो आप सेंधा नमक यूज करें। सॉरी, मैं आपको बताना भूल गई थी सामान दिखाते टाइम कि सेंधा नमक हमने यूज किया है, तो आप सेंधा नमक यूज करें। देखिए दोस्तों, हमारा आटा जो है एकदम तैयार है, घूम के तैयार हो गया है। और हमने आटे को जो है टाइट ही रखा है, ज़्यादा ढीला नहीं रखना है इसको, वरना पूड़ी जो है अच्छी बनेगी नहीं। अब पूड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से छोटा सा थोड़ा सा हमने आटा लिया है, इस तरीके से बॉल बना लेंगे इसका। देखिए, हमने एकदम गोल लोई बना के तैयार कर लिया और इस तरीके से इसको प्रेस करेंगे और इस तरीके से हाथ के बीच में इसको बेलेंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे। देखिए दोस्तों, हमारी पूड़ी जो है बन के तैयार है, गोल एकदम गोल पूड़ी बनी है और ना ही कहीं से टूटी है। तो हम इसको हाथ से पूड़ी बनाएंगे और इस तरीके से हम सारी पूड़ियाँ जो है बना के तैयार कर लेते हैं। उसके बाद हम इनको जो है फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने सारी पूड़ियाँ बना के तैयार कर ली हैं और इतने आटे में जो है हमारी 7 से 8 पूड़ियाँ बन के तैयार हुई हैं। तो चलिए, अब इनको जो है हम फ्राई करेंगे। देखिए दोस्तों, पूड़ी फ्राई करने के लिए हमारा ऑयल जो गर्म हो चुका है। ऑयल को हमने 2 मिनट पहले ही गर्म करने रख दिया था। अब इसमें जो पूड़ी डालेंगे। इसमें जो हम 2 ही पूड़ी सेकेंगे एक बार में, इस तरीके से इसके ऊपर जो है ऑयल पूड़ी के ऊपर डालते हैं, उसको पलट देते हैं। पूड़ी को जो है आराम से पलटना है, वरना पूड़ी जो हमारी टूट जाएगी। देखिए दोस्तों, हमारी पूड़ी जो है एकदम क्रिस्पी क्रिस्पी हो गई है। अब इनको जो हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब उसमें हम फिर से पूड़ी डाल देते हैं और इसी तरीके से हम सारी पूड़ी जो है फ्राई करके तैयार करेंगे। देखिए दोस्तों, हमने व्रत वाली थाली बना के तैयार कर ली है और आपने देखा कि हमने कितनी जल्दी से व्रत वाली थाली बना के तैयार की है, जिसमें हमने खीर बनाई है, सबा के चावल की खीर, और हमने ड्राई सब्जी आलू की सब्जी जो है और ग्रेवी वाली आलू की सब्जी, थोड़ा सा हमने खीरा ले लिया है और हमने पूड़ी ले ली है। तो आपने देखा कि हमने बहुत जल्दी से बना के तैयार कर लिया है और ये हमने 4 से 5 लोगों के लिए बनाया है। आप कम लोगों के लिए चाहते हो तो आप कम बनाइएगा। और दोस्तों, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, अगर आपको व्रत की कोई भी रेसिपी चाहिए हो तो मेरे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।